पच्चीस रुपए का टमाटर हो गया है, मुझे सोचे पच्चीस रुपए का टमाटर हो गया है, कोई तारीफ नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं उस स्टूडियो में, ये तो इनकी नजर उतारो भाई जरा, पच्चीस रुपए का टमाटर हो गया, जान लेंगी बच्चे की, मतलब 400 रुपए भी तो आप ही लोगों ने बिकवाया था भाई, 375 रुपए का हिसाब मेरे, अभी अभी कितना है 400 के, इसलिए कि सीजन आप देखिए एग्रीकल्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये कहानी नहीं सुना, ये क्या बात हुई 25 रुपए का टमाटर, 375 रुपए का हिसाब किससे लूं मैं, हां साहब कह रहे हैं कि हमारी तवज्जो निचले तबके को ऊपर उठाना, मैडम कई फुट तो ऊपर उठा दिया उसको, अब कितना ऊपर पहुंचाना चाहती हैं, कब तक उसको पहुंचा लेंगी, और उसके बाद फिर चियां वगैरह पढ़ लें हम, जान छूटे एक ही दफा में। अस्सलाम वालेकुम, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं, अच्छी बातें क्यों नहीं करते, मैं अच्छी बातें करने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक मिनिस्ट्री बना दीजिए ऊपर रफ्ता रफ्ता जी ऊपर, अच्छा मिनिस्ट्री चाहिए आपको, तभी इतना कर रहे हैं, चले सुन लिया, आप बताएं आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, अगर हवाई फायरिंग होंगे तो आपको, क्योंकि सारे हवाई फायर ही है, सब एक साथ ये सब करने में लगे, हवाई फायरिंग छोड़ दें, वो कराची में होती थी, अब खत्म हो गई है, हवाई फायरिंग इज ओवर, गरीब को कितना ऊपर उठाएंगी अब, अरे भाई गरीब के लिए तो आए हैं इमरान खान, आप जरा सब्र करें, आप जरा इतना जल्दबाजी से चल रहे हैं कि हम, मैडम आपको याद है आप आखिरी दफा मेरे प्रोग्राम में, जब पहली मर्तबा आप मेरे प्रोग्राम में आई थी तब भी आपका यही डायलॉग था, जरा सब्र करें, 100 डेज का हमने बोला, जब आप पहली मर्तबा मेरे प्रोग्राम में आई थी तब भी आपने यही फरमाया था, इंशाल्लाह ताला टाइम चाहिए भाई, 30 साल की करप्शन 1.5 महीने या 1.5 साल या 3 साल या 5 साल में नहीं होगी, अच्छा 5 साल में भी नहीं होगी, उसके लिए तो क्या अगले 10 साल का टेकर लेके जाएंगी हर डिपार्टमेंट में, हाँ वरफ़ता इंशाल्लाह 15 साल जाएंगे फिर जाके सही होगी इंशाल्लाह, तो इमरान खान ही करेंगे, मतलब अगली नस्लों की बात हो रही है ना तब जाके सही होंगी, या मुल्क की बात करनी है आप, बिल्कुल नस्लों के लिए ही आए हैं, नस्लों के लिए ही आए हैं, इमरान खान गरीबों के लिए आए हैं, अपनी नस्ल नहीं उनके नस्ल पाए जाते हैं, वो लोकसभा संभाल रही है, कौन से गरीब की बात, बनी गाला में कोई भी नहीं है, बनी गाला में इमरान खान खुद से ऑन हिज ओन रहते हैं, अपना घर है उन्होंने अपनी कमाई से बनाया हुआ है, लेकिन भागे नहीं यहाँ से, मैडम खान साहब फरमा रहे थे कि 2020 नौकरियों का साल है, नौकरियां तो चली गई, 2 साल में 22 लाख 20 लाख अफराद को नौकरियों से चले जाना, मिल रही है जब हाउसिंग प्रोजेक्ट चलेंगे तो आप सोचें कितनी नौकरियां मिलेंगी, दिहाड़ीदार मजदूरों की बात नहीं कर रहा मैडम, हाउसिंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब, 15 से 25 सबको ईंटें उठाने पे लगाएंगे, डिपार्टमेंट से काम लेना पड़ता है, ईंटें उठाएंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, प्लम्बर होंगे, मेसन होंगे, हर चीज हमने हमारी अपनी होगी, तो सोचिए मीडिया वाला क्या करेगा, मीडिया वाला क्या करेगा, मीडिया वाला अब लफाफे नहीं मिलेंगे उसको, रिश्वत में थोड़ा सा एक दो दे देंगे, फ्लैट वगैरह यही है ना, और क्या, नहीं क्यों, आज तक जिन्होंने दिए उनके पीछे लगे हुए मीडिया वाले, हर नहीं सब नहीं, सब चैनल नहीं, और जिन्होंने नहीं दिए तो हमारा क्या हाल करते हैं मीडिया वाले, अच्छी खबरें तो बताते नहीं, पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, इतना कुछ होता है वो मीडिया पे नहीं आता, मतलब जरा से कोई मीडिया वाले 5 रुपए सस्ता किया, इससे पहले 15 रुपए बढ़ाया भी तो था, इक्वल चलते हैं मैडम, मतलब कोई ऐसा ना करें, मतलब हंसी निकल जाएगी गुस्से में, हो रहा है ना अब, कम भी तो हो रहा है ना, अब देखें फिर मैं बोलूंगी 15 रुपए का टमाटर हो गया है, मुझे सोचे 25 रुपए का टमाटर हो गया है, कोई तारीफ नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं उस स्टूडियो में, ये तो इनकी नजर उतारो भाई जरा, 25 रुपए का टमाटर हो गया, जान लेंगी बच्चे की, मतलब 400 रुपए भी तो आप ही लोगों ने बिकवाया था भाई, 375 रुपए का हिसाब मेरे, अभी अभी कितना है 400 के, इसलिए कि सीजन आप देखिए एग्रीकल्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये कहानी नहीं सुना, ये क्या बात हुई 25 रुपए का टमाटर, 375 रुपए का हिसाब किससे लूं मैं, अली अमीन गंडापुर से जो कहता है कि अपने भाई तो लूटने जाने दो, कल की डेट में मेरे यहाँ ब्यूरोक्रेट आई थी उनकी वाइफ, उन्होंने कहा जी 25 रुपए, मैं आपको अपना पता एसएमएस करता हूँ, कहिए जरा मुझसे आगे, इसका कोई जिक्र नहीं है, कौन से ब्यूरोक्रेट, अच्छा रुकिए जरा थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूँ, अब मैं लाहौर का रेट बता रही हूँ ना, मैं अभी लाहौर में, मैं कराची में नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ मैडम, थोड़ा सा मेरे घर में भी सब्जी आती है, फोन पे डॉक्टर सौराब सर की मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हुजूरे वाला सर ये मुझे बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है, खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत गुरबा को घर बना करके देगी, कल मैंने अपने प्रोग्राम में एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो उनका एक घर जो है वो चूँकि करप्शन की कमाई से वो बना था, स्टांस ये था, तो वो घर जो है वो उसको मुंजमद करने का या उसको भक्त सरकार जब्त करने की बात आई है,
सर ये मुझे बताइए, गरीबों के जो इतने सारे घर मसमार हो गए पिछले 1.5-2 साल में, गरीबों को जो देश निकाला दे दिया गया उन्हीं की अपनी सरजमीन पर, उन गरीबों का कौन पूछने वाला है, कौन उनका लेने देने वाला है? मतलब यहाँ खान साहब कह रहे हैं गरीबों को घर देंगे, ये कौन से गरीब हैं जिनको पहले घर छीन लिया उसके बाद उनको घर देंगे? देखें, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कोई घर देंगे। इन्होंने तो आप सही कह रहे हैं कि इतने लाखों आदमी बेरोज़गार करा दिए हैं और हज़ारों की तादाद में घर गिरा दिए हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। और आप इनकी सीरियसनेस देखें कि 2 साल होने को हैं लेकिन अब इनके नुमाइंदे अभी कह रहे हैं कि 15 साल और चाहिए और कहते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। 15 साल में आने वाले जनरेशन रूल करेगी पाकिस्तान की, पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह। मैं आप कोई रहेगा जिंदा तो वो करेंगे रूल, आदमी रहेगा ही नहीं पूरे मुल्क में जिस तरह वो हमारे नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन। अरफिन भाई कह रहे हैं कि वो अब इस तरह की अगर आपकी जो पॉलिसीज हैं ना वो अब तो ये है कि आपको शायद पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। आपके मिनिस्टर साहब जाते हैं वहाँ पर पंजाब में तो वहाँ पर कोई खुली कचहरी या किसी से बात नहीं कर सकते, लोग लड़ने पर आ गए। अब पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से शीशे के घर में रहते हैं, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। ज़ाहिर है बिल्कुल हम ये समझते हैं कि हमें जितना डिलीवर करना चाहिए था जब जब हमें मौका मिला हम नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने बड़े ख्वाब दिखाए, इतनी बड़ी चीज़ें बताई। हम भी ये सोच रहे थे आरफिन भाई के साथ जितने भी लोग हैं कि पता नहीं आएगी यहाँ पर चेंज तो क्या तब्दीली आ जाएगी, जन्नत हो जाएगी, करोड़ों रुपए आएंगे, नौकरियाँ आएंगी। उल्टा जो है वो हिसाब किताब वो जो पुराना पाकिस्तान था उसका भी आपने जो हाल किया हुआ है वो आपके सामने है। तो मुझे तो कोई यहाँ पर अच्छा ही नज़र, गैलप का आप सर्वे देख लें, आपकी जो हुक्मरानी के हवाले से जब आप यहाँ कर बैठ कर बातें करते थे कि गैलप ये कह रहा है और ये फलां जो है इंटरनेशनल इदारा ये कह रहा है, उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में आपको इखलाकी तौर पे आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और बिल्कुल इसमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गलत हैं जो सही नहीं हैं। और आप ये देखें 100 से ज़्यादा तो एक्सीडेंट हो गए, सखर में रोड़ी के पास जो अभी एक्सीडेंट हुआ जिसमें आप लोगों का जो हशर हुआ है आपने खुद देखा होगा फाटक के ऊपर, तो उसमें भी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो क्या तबसरा करते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक मेरा ज़मीर नहीं जागा। अच्छा मैडम, मैं कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए डॉक्टर साहब से ये मुझे बताइएगा, कल भी मैंने ये सवाल पूछा था, आप आज आ ही गई हैं तो मैं सोच रहा हूँ ये सवाल भी लपेट हूँ। मैडम, ये शेख रशीद साहब में ऐसे कौन से हीरे मोती लाल लगे हैं, या ये खान साहब के कोई कोई खूनी रिश्ता है इनका, क्या ऐसे मामलात क्या हैं, मफादात ऐसे कौन से मुश्तरक हैं कि खान साहब वो जो अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, वो जो ट्रेन के एक हादसे पर बेचैन हो जाते थे, तिलमिला जाते थे, ख्वाजा आसिफ पर तबर्रा करते थे और कहते थे कि गो नवाज गो, मैडम अब क्या ऐसी वजह आ गई है कि शेख रशीद के दौर में पे दर पे ऐसे हादसात हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, मगर खान साहब हैं कि वो ऊंचाई पर उनको आवाज़ ही नहीं जा रही है अवाम के रोने पीटने की, ये है वो गरीब के मसीहा के जिनको पता ही नहीं चल रहा कि बारात कहाँ जा रही है। देखिए अल्लाह ताला खैर रखे फ्यूचर में भी और अभी भी, अल्लाह तो खैर कर रहा है, ये अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है, ये जो वजीर आजम अब क्यों वजीर आजम का ये अनमोल रतन जो है ये जो 500 नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भी जानता हूँ, नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट न्यूज़, जो होता है ये तो मैं भी जानता हूँ, हो क्यों रहा है। हुकूमतों में जो कुछ हुआ वो इतने बड़े बड़े डिजास्टर थे, नाउज़बिल्ला मैं ये नहीं कह रही कि वो डिजास्टर उनकी वजह से हुए और अब शेख रशीद की वजह से हो रहा है। अभी दूसरी की तरफ जाने के लिए हमें नहीं क्यों किसी और पे डालें, शेख रशीद अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही इमरान खान ने उनको रखा हुआ है। अच्छा आपके सामने है हमारी एक मिनट जरा डॉक्टर सोराब सर की तरफ एक मिनट जरा आपसे मैं हमारी अपनी कमेंट ये आपने अगर मगर का सीगा कैसे इस्तेमाल किया ये मुझे बताइए, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस है कि पे दर पे हादसा हो रहे हैं, पे दर पे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लेकर के और जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो आप तक नहीं पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कब्जी का इजहार किया था, आप अगर मगर में लगी हुई है। सॉरी साद रफीक के जमाने में इतना कुछ हुआ तब किसी ने फिरौन के जमाने में भी बहुत कुछ हुआ था, अब अगर आप उसका हिसाब मुझसे लेंगी तो सानू की मुझे क्या पता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा हो, मैं नहीं चाहूंगा। अल्लाह पे मत डालिए, अल्लाह ने आप लोगों को हुकूमत बना करके बिठाया है, अल्लाह पे ही अल्लाह पे नहीं डालिए, अल्लाह का काम नहीं था ये, इंसानी गफलत है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, पर हम कोशिश करेंगे कि
बेहतर बेहतर गरीब आवाम की बेहतरी के लिए इमरान खान आए हैं, तो इंशाल्लाह आप मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना, ये इंसानी गफलत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब तक हम ये सिर्फ अल्लाह पर डालते जाएंगे तो मेरे ख्याल में इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जो भी बेहतरी हो सकती है बेहतरी करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह पर डालेंगे। और ये लोग जो जिन्होंने इनको वोट दिया था, इन्होंने यही उनको यही फरमाया था कि हम यहाँ पर बेहतरी लाएंगे, चेंज लाएंगे, आपको चेंज नज़र आएगा। और उल्टा चेंज तो नज़र नहीं आया। खुद इमरान खान साहब ये कहते थे कि रेलवे के मिनिस्टर जो भी एक्सीडेंट होता है उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके नीचे क्या है?